नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। यूपी में निकाय चुनावों का चुनावी पारा अपने चरम पर है। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार निशान की पहचान जताने के लिए निशान लेकर ही जनता के बीच उतर गए हैं। अधिकतर क्षेत्रों में लोगों के बीच आवंटित चुनाव चिन्ह के साथ ही वो दौड़ लगा रहे हैं। कुछ तो ईवीएम का प्रतिरूप बनाकर अपने सीरियल नंबर भी बताने में लगे हुए हैं। लोगों को जो पर्चे बांटे जा रहे हैं उनमें चुनाव चिन्ह निशान के साथ ही बड़ा बड़ा सीरियल नंबर भी छपवाया है, जिससे अगर चुनाव चिन्ह ध्यान भी न रहे तो सीरियल नंबर वाला बटन दबाकर उन्हें वोट दें। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला सामने आया है चिन्हट वार्ड से। चिन्हट वार्ड में पार्षद रहे दिनेश यादव पत्नी रिंकी यादव को चिन्हट द्वितीय से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा रहे हैं और पत्नी को चुनाव चिन्ह मिला है जलता हुआ बल्ब। उनकी टीम बकायदा बल्ब जलाकर प्रचार कर रही है और रात में बल्ब जलाकर लोगों से वोट मांग रही है। आपको बता दें कि जलता हुआ बल्ब लोगों को खास अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये लोगों पे कितना असर डालता है, इसका परिणाम तो आने वाले चुनाव के नतीजों में पता चल ही जाएगा। डेली डायरी की रिपोर्ट।